हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी भी होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। आजकल मेरा यही काफ़ी टाइम से रूटीन है। और मेरे साथ आज जाएगी डेजी, तो थोड़ी देर बालकनी में खड़ी होंगी क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ना बाहर खड़े होना। इससे भी बहुत एनर्जी मिलती है सुबह सुबह मॉर्निंग में ना, इस तरह से थोड़ी देर खड़े रहो, ग्रीनरी को देखो, ठंडी ठंडी हवा चलती है उसको देखो तो बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी देर में मैं निकलूँगी यहाँ से और टाइम 6:30 हो गए अभी। भी डालती हूँ कबूतरों का दाना। सुबह सुबह मेरे काम होते हैं थोड़े बहुत, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं करने में। बारिशों की वजह से ना सब काला काला हो गया यहाँ पे। वो एक डिब्बा है ना यहाँ पे, उसको मैंने रस्सी से बांधा हुआ है, लेकिन अभी उसमें पानी डालूंगी। पहले ही कबूतर दाना खा जाए ना, उसके बाद डालती हूँ, नहीं तो फिर वो आते ही नहीं है, फिर दोपहर में खा के जाएंगे। नहीं तो अभी ना थोड़ी देर में आ जाएंगे, जैसे उनको पता चलता है ना कि दाना डाल दिया तो फटाफट आ जाएंगे। अभी उसको पता चल रहा है। कैसे ना एक एक करके दाना खाते हैं, चुन चुन के चुन चुन के, पहले सबसे अच्छे वाले। ये देखिए एक 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 करके।
मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है और यहाँ पे खा रही है डेजी खाना सुबह सुबह। और अभी टाइम हुआ 7:30 हो गए हैं, तो टाइम 7:30 हो गए हैं। डेजी खा रही है नीचे खाना यहाँ पे, और अभी आराम से बैठ के चाय पीऊँगी सुकून से सुबह सुबह, क्योंकि आजकल हस्बैंड जो है ना थोड़ा लेट करके ऑफिस जा रहे हैं, तो आधा घंटा मुझे मिल जाता है यहाँ पे। देखिए प्लांट्स के बीच में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, देखिए ग्रीनरी के साथ ना, और सुबह सुबह का मौसम ये देखिए, ये हमारी बालकनी का व्यू, और मेरे पीछे सारे प्लांट्स इस तरफ मेरी प्लांट, इधर जो डेजी खाना खा रही है, और थोड़े से कपड़े सूख रहे हैं। लोगों के घरों से ना कुक करके बिस्ली आ रही है, काफी अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पे बैठ के चाय पियो। डेजी डेजू, अभी डेजी किसी की नहीं सुनेगी, डेजी देखो डेजू, अभी तो वो खाना खा रही है, किसी की नहीं सुनती है। खा लिया सारे खाना, खा लिया ओह सुनो सारे खाना खा लिया। एक तरफ शंख की आवाज, कुक करके विस्लों की आवाज, सुबह सुबह का मौसम माहौल, अभी जो है हस्बैंड ना चले गया, और अभी करूँगी किचन की क्लीनिंग, तो बस ये थोड़ा बहुत बाकी है ये करूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू निकल के शावर लेती हूँ जल्दी से। टाइम हो गया है 9:30 हो चुके हैं, थोड़ा ऊपर ही हो चुका है 9:30 से, अभी जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ किचन का काम फटाफट। फिर झाड़ू भी निकाल thank you.
इसका मतलब ये होता है कि डेजी ने खाना खा लिया। तो सारे घर के काम जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, टाइम हो गया है, 2 बजने वाले हैं और अभी थोड़ी देर में मैं और शिल्पी करने वाले हैं लंच। और सारे काम जो मैंने जैसे आपको बताया सारे खत्म हो चुके हैं और आज मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन जो वो कैसा लगा। आजकल मेरा डेली जो ना यही वाला मॉर्निंग रूटीन है। तो आजकल सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस ऐसे ही रह जा रहा था, कुछ ना कुछ हो जा रहा था तो वो रह ही जा रहा था और शेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं डेली जो है मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ और मेरे साथ जाती है डेजी, कभी कभी हस्बैंड जाते हैं, कभी कभी शिल्पी भी जाती है। तो इस तरह से मॉर्निंग का टाइम जो हमारा निकल जाता है, उसके बाद आके फिर नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ हस्बैंड के लिए, उनको ऑफिस टिफिन लेके जाना होता है। तो ये सारे काम करते करते जो है 9-10 मेरे बच जाते हैं और बस इस तरह से मेरा जो है घर का काम जो है वो डेली होता है। तो और हाँ, मुझे कल एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कमेंट, स्वीट सा कमेंट आया था। उन्होंने लिखा था कि रेस्ट भी कर लिया करो, पता नहीं ज़िंदगी कब बाय बाय करके चली जाएगी, थोड़ा आराम कर लिया करो। इस तरह से ना उन्होंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट लिखा था। तो बात तो उनकी बिल्कुल सही है कि थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। मैं भी वही सोचती हूँ कि जो लाइफ है वो अपने लिए जीनी चाहिए, अपने तरीके से जीनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से घर के काम, घर को अरेंज करके रखना और सबकी केयर करना। इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना सबके लिए, कि मैं सबको मतलब अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँ। इस तरह से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और घर को जैसे मैं डेकोरेट करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है देखिए इस तरफ और यहाँ पे भी तो इस तरह से ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस मुझे यही लगता है कि यही मतलब मेरा तरीका है, शायद मैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि आदमी को थोड़ा बहुत इन सब से हट के थोड़ा अलग लाइफ को भी जीना चाहिए, कभी बाहर जाना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। लेकिन चलिए, आजकल तो वैसे भी टाइम हालात जो अच्छे नहीं है, चलिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट पढ़ के, बहुत खुशी हुई।